हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द दलित कैनन। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कैनन। पहले समझते हैं कि कैनन होता क्या है। कैनन इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स और अदर वर्क्स दैट आर जनरली एक्सेप्टेड एज द जेन्युइन वर्क ऑफ अ पर्टिकुलर राइटर और एज बीइंग इम्पॉर्टेंट। तो कैनन होता क्या है, कोई भी लिटरेरी वर्क जो किसी राइटर को बिलोंग करता है, कोई भी लिटरेचर का जो वर्क होता है, चाहे वो नॉवल हो, ड्रामा हो, प्ले हो, पोएम हो, तो ये सारे किसी राइटर को बिलोंग करता है, तो उसको एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर पीस समझ के उसको प्रिजर्व किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कैनन कहते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म लिटरेरी कैनन रिफर्स टू अ बॉडी ऑफ बुक्स, नैरेटिव्स एंड अदर टेक्स्ट कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और प्लेस। तो लिटरेरी कैनन क्या है, बॉडी ऑफ बुक्स या फिर नैरेटिव्स या फिर कोई अदर टेक्स्ट, ओके, जिसे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंसिडर करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फिर प्लेस। जैसे कि हम इस टॉपिक में दलित कैनन के बारे में बात करने वाले हैं, तो दलित कैनन भी क्या है, दलित लिटरेचर भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है, एक इन्फ्लुएंशियल लिटरेचर है अपने पीरियड में जब वो लिखा गया था। दलित लोगों के साथ जो भी हो रहे इश्यूज थे, डिस्क्रिमिनेशंस थे, वो सारी बातें इस दलित लिटरेचर में लिखा गया था, तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, तो इसलिए उसे किस कैटेगरी में डाला गया इस लिटरेचर को, दलित कैनन। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू दलित लिटरेचर एंड पोजेस सम क्वेश्चंस अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ दलित्स, राइटर ऑफ दलित कैनन, रियलिटी ऑफ दलित कैनन एंड मोर एनालिसिस ऑफ दलित लिटरेचर। नाउ व्हाट इज दलित लिटरेचर, दलित लिटरेचर इज द लिटरेचर दैट इज रिटन बाय दलित्स, ओके, जिस लिटरेचर को दलित्स ने लिखा है उसे क्या कहा जाता है, दलित लिटरेचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दलित, दलित क्या है। द वर्ड दलित्स इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज एंड एटिमोलॉजिकली इट मीन्स ग्राउंड, सप्रेस्ड, क्रश्ड और ब्रोकन टू पीसेस। दलित का क्या मतलब होता है, ग्राउंड बोल सकते हैं, सप्रेस दबाया हुआ, क्रश्ड और ब्रोकन टू पीसेस। हेंस बाय कनोटेशन द टर्म दलित इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और नाउन टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटीज दैट हैव रिमेन्ड डाउनट्रोडन और एट द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी थ्रू आउट इंडियाज लॉन्ग सोशल हिस्ट्री। तो शॉर्ट में अगर समझे तो इंडिया के जो लोएस्ट कास्ट कम्युनिटी थी उसे दलित कहा जाता है। नाउ लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ दलित लिटरेचर। लिटरेचर रिटन बाय द मेंबर्स ऑफ द दलित कम्युनिटी और द लिटरेचर दैट इज स्पेसिफिकली रिटन टू रिप्रेजेंट द टिपिकल सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द दलित कम्युनिटीज इज डिस्क्राइब्ड एज दलित लिटरेचर। सो दलित लिटरेचर क्या है, दलित लिटरेचर जो दलित कम्युनिटी के मेंबर्स लिखते हैं उसे दलित लिटरेचर कहा जाता है, और उनके जो सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनकी लाइफ होती है, वो चीज इस दलित लिटरेचर में लिखा जाता है, उसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है दलित लिटरेचर में। इट इज द लिटरेचर ऑफ एक्सप्लिसिट सोशल कमिटमेंट एम्ड एट प्रमोटिंग आइडियाज ऑफ सोशल इक्वालिटी, जस्टिस एंड रेजिस्टेंस टू सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। दूसरी क्या बात होती है दलित लिटरेचर में, एक सोशल कमिटमेंट के बारे में बात किया जाता है, जहां पर सोशल इक्वालिटी की डिमांड की जाती है, जस्टिस की डिमांड की जाती है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंट मतलब एक आवाज उठाया गया है इस दलित लिटरेचर में अगेंस्ट सफरिंग, सफरिंग के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो उन्होंने आवाज उठाई है, वो सारी चीजें जो है दलित लिटरेचर में मेंशनड है। तो जो इंडियन दलित लिटरेचर है या फिर जो इंडिया का जो दलित लिटरेचर है वो बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा गया है, तमिल में, मराठी में, मलयालम में, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, और ज्यादातर लोग जो इसको लिखे हैं वो दलित कम्युनिटी के ही थे। सो दलित लिटरेचर इन इंडिया और इंडियन दलित लिटरेचर इज फाउंड इन मैनी नेटिव लैंग्वेजेस, मराठी, तमिल, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, हिंदी एक्सेट्रा। The majority of the writers are Dalits themselves. Even some non-Dalits have started contributing to the literature of the oppressed or exploited. तो जो non-Dalit writers थे उन्होंने भी अपना contribution दिया था दलित literature में।
तो उनके इंटेंशंस तो अच्छे थे बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। जिस सिचुएशन से दलित लोग गुजरे थे, जो पेन दलित लोग ने सहा है, वो चीज़ इनको नहीं पता है, इतना वो चीज़ इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए इनके लिटरेचर में वो बात नहीं थी जो कि दलित जो खुद लिखते थे उनके लिटरेचर में होती थी। सो देयर इंटेंशंस आर गुड, देयर एक्सप्रेशंस आर ऑथेंटिक, बट एज फार एज देयर एक्सपीरियंस इज कंसर्न, इट इज प्योरली विकेरियस। विकेरियस मतलब ये जब नॉन दलित राइटर थे वो कैसे लिखते थे, जो दलित राइटर का जो टेक्स्ट रहता था उसी से वो इन्फ्लुएंस होके अपने टेक्स्ट को लिखते थे। तो ये जो टेक्स्ट था, ये जो दलित लिटरेचर था, वो उतना गहराई में नहीं लिखा गया था। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से द फीचर्स ऑफ दलित लिटरेचर। दलित लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फंडामेंटल क्रिटिसिज्म। तो जो मेन फोकस था दलित लिटरेचर का वो क्या है, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सारे टाइप्स के जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे उसके बारे में दलित लिटरेचर में लिखा गया है। और साथ ही साथ ये जो सोशल हायरार्की है, मतलब जो ये एक सिस्टम था, ऑर्गेनाइजेशन था कि अलग अलग लेवल के लोग हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास, तो ये चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की बात की गई है दलित लिटरेचर में। इट इज़ द लिटरेचर ऑफ क्वेश्चनिंग द एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो दलित लिटरेचर का ये भी एक कंटेंट है कि उसमें एक क्वेश्चन है एक्सक्लूजन के बारे में कि क्यों दलित्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी या फिर कल्चर से अलग हैं, जो मेन सोसाइटी है उससे ये दलित्स क्यों अलग रहते हैं, इस बात का जो क्वेश्चन है वो दलित लिटरेचर में पूछा गया है। इट इज़ द लिटरेचर दैट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये लिटरेचर क्या प्रमोट करता है, इक्वालिटी प्रमोट करता है और ह्यूमन की डिग्निटी को प्रमोट करता है। Most Dalit writers also believe that the principal purpose of writing literature is to bring about social change. तो ज़्यादातर जो दलित राइटर का मेन पर्पस था लिटरेचर लिखने का वो था सोशल चेंज, ठीक है, सोसाइटी में चेंज लाना जो था उनका मेन पर्पस था, ना कि सिर्फ अपने राइटिंग्स को एनहेंस करना, सबको दिखाना कि हम कितने अच्छे से लिख सकते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाना, ये उनका पर्पस नहीं था। उनका पर्पस था सोसाइटी में चेंज लाना। बाय इट्स वेरी नेचर दलित लिटरेचर रिमेन्स एट द मार्जिन एज इट्स चैलेंज द मेन स्ट्रीम। तो दलित लिटरेचर हमेशा से साइड किया गया है, मार्जिन में रखा गया है, क्यों, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम को चैलेंज करता है, मतलब सोसाइटी के जो मेन लोग थे, बड़े कास्ट के लोग जो थे उनको चैलेंज किया है, इसीलिए हमेशा से दलित लिटरेचर को इग्नोर किया जाता था। दिस लिटरेचर इज मोर रियलिस्टिक देन रोमांटिक, मतलब कि जो लिटरेचर था दलित लिटरेचर जो था वो रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड था, ना कि कोई फिक्शियस था, ना कि कोई लव स्टोरी पे बेस्ड था, ना कि कोई नेचर पे बेस्ड था, बल्कि वो रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड था। एंड इट इज यूनिफाइड इन बाय द पोर्ट्रेयल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसे पोर्ट्रे किया गया है दलित लिटरेचर में। दलित लिटरेचर पॉइंट्स आउट अबाउट द कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ दलित। नॉट ओनली दिस, दलित लिटरेचर नॉर्मली कंटेन्स सेंसिटिव साइंटिफिक एंड मीनिंगफुल कंटेंट। दिस लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ प्रोटेस्ट। ये लिटरेचर क्या है, एक मिरर ऑफ प्रोटेस्ट है, किसके अगेंस्ट, कास्ट, रेस, क्रीड एंड ट्राइब्स, एंड इट हैज ह्यूमन लिबर्टी एज इट्स सेंट्रल पॉइंट। ह्यूमन की जो लिबर्टी है, ह्यूमन की जो फ्रीडम है, इस लिटरेचर का इंपॉर्टेंट या यू कैन से सेंट्रल पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, जो पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप इसे एक नोट्स कंसीडर कर सकते हैं। दलित लिटरेचर से रिलेटेड, दलित कैनन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप इस पॉइंट से उसे इलेबोरेट करके लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। ये जो सारे दलित राइटर्स थे, सारे जो दलित वर्कर्स थे, ये लोग एक बात पे अग्री हुए थे कि इनका जो लिटरेचर है उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो कंसिडर किया जाएगा, वो कॉमन रहेगा सबके लिटरेचर में, सारे दलित राइटर्स के लिटरेचर में वो कुछ पॉइंट्स जो है वो कॉमन रहेगा। ओके, सो ऑल द दलित वर्कर्स अग्री दैट देयर लिटरेचर मस्ट पोजेस द फॉलोइंग। नाउ व्हाट आर दीज, लेट्स सी। एक्सेप्टेंस ऑफ अम्बेडकर फिलोसफी ऑन इशू ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो फ्रीडम और लिबर्टी के इशूज पे अम्बेडकर की फिलोसफी को एक्सेप्ट करना है, ऐसे दलित राइटर्स ने डिसाइड किया था। फिर अपोजिशन टू द वर्ण सिस्टम, ये जो कास्ट सिस्टम है उसके अपोज में रहना है। सपोर्ट टू ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को मतलब भाईचारा को बढ़ाना है। फिर कमिटमेंट टू फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, अपना पूरा कमिटमेंट किस में लगाना है, फ्रीडम में और सोशल जस्टिस में। कमिटमेंट टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सोसाइटी में कोई भी अच्छे के लिए जो चेंज आएगा उसके लिए कमिटेड रहना है। सो इन दिस वे दलित ऑथर्स वांटेड टू फॉर्म अ लिटरेचर फिल्ड अप विद ऑल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिटरेचर।
Besides this, they wanted to inform the masses about the condition of Dalits, and through these writing, they tried to get a status and recognition in the society. They wanted to be treated as common men, but not a downtrodden, rejected and deprived one. तो ये जो सारे दलित ऑथर्स थे वो क्या चाहते थे, एक अच्छा क्वालिटी लिटरेचर लिखना चाहते थे और वो मासेस को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या इन्फॉर्म करना चाहते थे अपनी कंडीशन के बारे में। वो अपने राइटिंग के थ्रू ये चाहते थे कि उनका भी सोसाइटी में एक स्टेटस हो, एक रिकग्निशन हो, एक आइडेंटिटी हो और वो एक कॉमन मैन की तरह ट्रीट किए जाए, ना कि कोई डिप्राइव्ड या फिर रिजेक्टेड लोगों की तरह। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो इसके सैलियंट फीचर्स को पूछ सकते हैं कि दलित राइटिंग्स कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, जो कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। और उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट ओनली अ दलित बॉर्न कैन राइट द दलित लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्या आप अग्री करते हैं कि जो दलित कम्युनिटी में पैदा हुआ है, जो बॉर्न हुआ है, बस वही दलित लिटरेचर लिख सकता है। तो अगर आप 20 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए पहले। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, दलित लिटरेचर के बारे में आएगा, उसका मतलब बताओ। फिर एक जो पर्टिकुलर वर्ड है दलित, उसके बारे में बताओ, दलित लिटरेचर के कुछ फीचर्स के बारे में बताओ और फिर ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि दलित बॉर्न ही दलित लिटरेचर को लिख सकता है या नहीं। Now let's see the answer. The mainstream Hindi writer Kashiram Singh said while arguing against the Dalit identity for literary production. तो जो काशीराम है उन्होंने क्या कहा, You don't have to be horse to write about a horse. तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें हॉर्स बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हॉर्स होने की जरूरत नहीं है, घोड़े होने की जरूरत नहीं है अगर तुम घोड़े के बारे में कुछ लिख रहे हो तो, ऐसा काशीराम ने कहा। तो इसके रिप्लाई में एक दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। Yes, you can write about the horse, his external contours, his canter and neigh. वो क्या कह रहे हैं कि तुम हॉर्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में भले लिख सकते हो, उसके कॉन्टोर्स जो आउटलाइंस होती है उसके बारे में लिख सकते हो, उसके कैंटर मतलब उसके स्पीड के बारे में लिख सकते हो, ने के बारे में लिख सकते हो, जो वो साउंड निकालता है वो लिख सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो अपना लेबर करके आता है, जो अपनी मेहनत है वो करके आता है, वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, एकदम हंगरी हो जाता है, तो वो जो पेन है, जो वो हंगर है, क्या तुम उसके बारे में लिख सकते हो, उसके मास्टर के लिए जो उसकी फीलिंग है, हॉर्स की फीलिंग है, क्या उसके बारे में लिख सकते हो, वो सब चीज़ें नहीं लिख सकते क्योंकि वो इंटरनल है। तो वो कौन लिख सकता है, एक हॉर्स ही बता सकता है। तो उसी तरह एक दलित जो है अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो पेन है, वो एक दलित ही बता सकता है। द इश्यू हियर इज नॉट ऑफ रियलिटी बट पर्सनल एक्सपीरियंस विच कैनॉट बी इमेजिन्ड। दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द अटेंशन टुवर्ड्स द मीनिंग फॉर वर्ड दलित। तो यहाँ पे मैटर रियलिटी का नहीं है, अगर कोई दलित लिटरेचर लिखना है तो कोई सच्चाई नहीं लिखना है, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ये दलित लिटरेचर। बाय दलित वी गेट द पिक्चर ऑफ डाउनट्रोडन, टॉर्चर्ड, एक्सप्लॉयटेड, हेटेड एंड डिप्राइव्ड पीपल। तो इस तरीके के सिचुएशन को जिसने एक्सपीरियंस किया है उसकी बात कोई और कैसे समझ सकता है। In the context of the horse stated already, the literary thinking is clearly divided into two different sections on the concept of Dalit author. तो दलित लिटरेचर को लिखने के लिए दलित ऑथर ही होने चाहिए या नहीं, या फिर दलित कैनन भी होने चाहिए या नहीं, ये इश्यूज पे दो ग्रुप डिवाइड हुआ है। तो जो पहला ग्रुप है वो हाई कास्ट से बिलोंग करता है, जिसका पहले से इस्टेब्लिश्ड कैनन है, तो वो क्या कहते हैं कि दलित लिटरेचर को लिखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो दलित ऑथर ही हो, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि दलित कैनन अलग से बनने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट दलित लिटरेचर जो है ग्रामीण साहित्य में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि दलित भी आफ्टर ऑल विलेज से ही बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों की बात से जो दूसरे सेक्शन है, जो दलित लोग हैं, वो अग्री नहीं हुए। ओके, दलित डू नॉट अग्री विद इट। अकॉर्डिंग टू देम दे हैव टू लीव आउट ऑफ द विलेज, नॉट इन द विलेज। तो वो बोलते हैं कि हम विलेज में क्यों रहेंगे, हम भी विलेज से बाहर जाएंगे। दे नो अबाउट द टर्म लाइक ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन, हेट्रेड, डिप्राइवेशन मच मोर देन एनीवन एल्स। वो कहते हैं कि हमें ह्यूमिलिएशन के बारे में पता है, रिजेक्शन के बारे में पता है, हेट्रेड के बारे में पता है, डिप्राइवेशन के बारे में पता है, जिससे दूसरे लोग से ज्यादा पता है। इनफैक्ट According to them, only the person who has undergone all these feelings like untouchability, humility, rejection can describe the best. So the Dalit literature must be written by Dalit instead of anyone
एल्स। तो फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। तो ऐसे ही कुछ और वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।